नमस्कार दोस्तों, क्या आपके नाक में खुजली होती है? क्या आपकी आंखों में पानी आता है? क्या आपको लगातार छींकें आती रहती हैं? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आप एलर्जिक राइनाइटिस के शिकार हो। मैं डॉक्टर हिमांशु जैन आज आपसे इसके कारण, लक्षण और उपाय के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारी नाक शारीरिक क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ये सांस के साथ शरीर में प्रवेश करने वाले धूल के कणों और हानिकारक पदार्थों को रोकती है। लेकिन जब ये पदार्थ किसी तरह से शरीर के अंदर प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र इनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और एलर्जी के रूप में सामने आता है। नाक में होने वाली एलर्जी को एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस और सर्दी जुकाम में क्या अंतर है? एलर्जिक राइनाइटिस एलर्जन की वजह से होती है, जबकि साधारण सर्दी जुकाम वायरस या संक्रमण के कारण। एलर्जिक राइनाइटिस में लगातार छींकें आना, आंख व नाक में खुजली और नाक से पानी आना जैसे लक्षण होते हैं। वहीं सर्दी जुकाम में नाक से पानी आना या नाक बंद होने के अलावा बुखार भी आ सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो विश्व की 30% आबादी किसी न किसी एलर्जी से पीड़ित होती है। कुछ लोगों को उन चीजों के बारे में पता होता है जिससे उन्हें एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, वहीं ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। यूं तो एलर्जी के कारण होने वाली परेशानी को व्यक्ति झेल सकता है, लेकिन कुछ स्थितियों में यह इतनी ज्यादा होती है कि पीड़ित को सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। यह आपकी नींद, आपकी अलर्टनेस, आपकी सीखने की क्षमता, आपका डेली रूटीन और आपके बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट डालती है। किन चीजों से एलर्जिक राइनाइटिस होती है? सबसे ज्यादा धूल, धुआं, सर्दी, डस्ट माइट्स और पौधे की वजह से एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा सॉफ्ट टॉयज, पालतू जानवर, कॉकरोच, फंगस, कुछ दवाएं या खाद्य सामग्री से भी एलर्जी हो सकती है, जो कि IgE मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण क्या होते हैं? ये नाक से जुड़ी एक आम समस्या है जिसमें अति संवेदनशीलता के कारण कुछ कोशिकाओं के अति सक्रिय होने पर जुखाम के रूप में नाक पर प्रभाव पड़ने लगता है। फलस्वरूप लगातार छींकें आना, नाक से पानी आना, नाक या आंख में खुजली रहना जैसे लक्षण होने लगते हैं। इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं? अनदेखा करने पर एलर्जिक राइनाइटिस के साथ नेजल पॉलिप्स, साइनोसाइटिस, अस्थमा, सूंघने की क्षमता में कमी, कान के अंदर पानी या मवाद भरना जैसी समस्याएं देखी गई हैं। इसकी डायग्नोसिस के लिए आपका डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेता है और नाक के अंदर दूरबीन से जांच कर सकता है। कुछ विशेष पदार्थों के प्रति शरीर की अति संवेदनशीलता को जानने के लिए एलर्जी टेस्ट भी कराए जाते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, प्रिक टेस्ट व ब्लड टेस्ट। ये टेस्ट ना तो सभी के लिए जरूरी हैं और ना ही हमेशा 100% सटीक होते हैं, इसीलिए व्यक्ति विशेष के अनुसार जरूरी होने पर ही इसे कराया जाता है। एलर्जिक जुखाम का इलाज 4 सिद्धांतों पर टिका है। पहला, जिस पदार्थ से एलर्जी है उससे बचें। दूसरा, शरीर के एलर्जिक रिएक्शन की प्रतिक्रिया को रोकने की कोई दवा दी जाए ताकि एलर्जिक पदार्थ के संपर्क पर आने पर भी नाक या सांस की नलियों में कोई एलर्जिक रिएक्शन पैदा ही ना। तीसरा, ऐसी एंटी एलर्जिक दवा लें जिसके बाद यदि एलर्जिक प्रतिक्रिया हो भी तो उसके लक्षणों पर कंट्रोल पाया जा सकता है। और चौथा, शरीर में एलर्जी के लिए जो संवेदना है, एलर्जिक टेंडेंसी, उसको कम किया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस आपसे दूर रहे तो इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। नाक को ज्यादा ना छुएं, अपने हाथों को साबुन से धोएं, एलर्जी से बचने के लिए चादर,
पिलो कवर, कपड़ों को गर्म पानी में डिटर्जेंट से धोएं। अपने बेडरूम से पालतू जानवरों को दूर रखें ताकि आप एलर्जी से बच सकें। बाहर जाने से पहले चश्मा और टोपी पहन के जाएं। धूल को अपनी आंखों में ना जाने दें। बदलते मौसम में अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद रखें। आंखों को ठंडे पानी से धोएं ताकि आपकी आंखें एलर्जन से बचें। बाहर से आने के बाद नहाएं, अच्छे से हाथ मुंह धोएं। चादर और कपड़ों को अच्छे से सुखाएं। एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण काफी परेशानी वाले होते हैं, लेकिन अगर आप इन उपाय को फॉलो करते हैं तो लक्षणों पर काफी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। नाक की आप धुलाई कर सकते हैं। इसके लिए 2 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक और चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल सकते हैं और दोनों नाक की धुलाई की जा सकती है, जिससे जो भी कोई एलर्जन होगा आपकी नाक की म्यूकोजा पर उसको साफ किया जा सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का नाम आपने सुना होगा। यह बेहद बहुआयामी प्रभावशाली दवाएं हैं। इसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड के नेजल स्प्रे उन मरीजों के लिए बड़ा असरदायक है जिन्हें मुख्य तौर पर नाक से खुजली होती है या लगातार छींकें आती हैं। बट बिना डॉक्टरी सलाह के स्टेरॉइड्स आप अपने आप ना शुरू करें, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन के लिए हिस्टामिन नामक पदार्थ निकलता है, जो नाक की झिल्ली पर मौजूद रिसेप्टर पर असर डालकर छींकें या जुखाम के लक्षण पैदा करता है। एंटीहिस्टामिनिक दवाएं इन हिस्टामिनिक रिसेप्टर को बंद कर देती हैं। इस तरह जुखाम के लक्षणों पर कंट्रोल पाया जाता है। सिट्राजीन जैसी दवाइयां दी जा सकती हैं, जो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकते हैं। इन दिनों एलर्जी को नियंत्रित करने के लिए एलर्जन इम्यूनोथेरेपी बहुत मददगार है। इनमें जिस भी वस्तु से एलर्जी होती है उससे एलर्जेंस को लैब में मेडिकल रूप में इंजेक्शन या दवाएं के रूप में बनाया जाता है। धीरे धीरे मरीज में संबंधित एलर्जी के प्रति इम्यूनिटी बनने लगती है। इसे लगभग कंट्रोल ही किया जा सकता है। इसकी तकलीफों को कम भी किया जा सकता है। इसके बार बार अटैक को कम और हल्का किया जा सकता है, परंतु एलर्जिक राइनाइटिस का समूल नाश नहीं किया जा सकता। ये बस एक लिमिट तक कंट्रोल ही किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके नाक में मांस बढ़ रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर कर रही है, आपके कान में दिक्कतें हो रही हैं, तो तुरंत एक ENT को जाकर सलाह लें। थैंक यू, धन्यवाद। बताइएगा कि अब मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं।